लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीट देकर दोनों ही पार्टियों को उलझन में डाल दिया है, क्योंकि सवाल अब ये उठ गया है कि 4 महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में क्या 46 सीटों पर लीड लेने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी या 44 सीटों पर लीड लेने वाली बीजेपी तीसरी बार सत्ता की सरताज बनेगी। चुनाव परिणामों ने साफ तौर पर बता दिया है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के 13 विधायकों के हलकों में बीजेपी को लीड मिली है, तो वहीं इतने ही बीजेपी के मंत्री और विधायकों के हलकों में भी कांग्रेस को लीड मिली है। यानी मुकाबला बराबरी का है और अब आने वाले 100 दिन ये तय करेंगे कि हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी। एक तरफ तो नायब सैनी हैं जिनको अगले 100 दिन के दौरान जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपनी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा हैं जिनको एकजुट होकर 100 दिन के दौरान पब्लिक के बीच में जाकर बीजेपी की सरकार को उखाड़ने के लिए हरियाणा की जनता का जनसमर्थन लेना होगा। दोनों ही पार्टियों के नेताओं को इस बात को लेकर जरा भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि दोनों का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा की जनता फिलहाल यही देख रही है कि वो क्या अगले चुनाव में हरियाणा में बीजेपी में सत्ता को बरकरार रखे या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस की सरकार बनवाने का काम करेगी। पहले हम चर्चा करते हैं बीजेपी की। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीटें गंवाने के बाद जबरदस्त झटका लगा है। 2019 में 10 की 10 सीटें जीतने के बावजूद 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था और वो 41 सीटों पर रह गई थी। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनौती इसलिए बड़ी नज़र आती है क्योंकि सत्ता के विरोध में जनता में बड़ी नाराजगी है। इसलिए अब नए सीएम नायब सैनी के कंधों पर ही बीजेपी की सारी जिम्मेदारी टिकी हुई है। पूर्व सीएम मनोहरलाल खट्टर ने हरियाणा में बीजेपी का बेड़ा गर्क करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। उन्होंने जहां जनता को बड़े पैमाने पर नाराज किया, वहीं खुद बीजेपी के बड़े नेताओं को उन्होंने हाशिए पर डालने का काम किया। उन्होंने बीजेपी के सेकेंड ग्रेड के नेताओं को सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर मनोहरलाल खट्टर ने उनको घर बैठने पर मजबूर कर दिया। अब मनोहरलाल खट्टर प्रदेश की सत्ता से दूर जाकर दिल्ली की सियासत में सेट हो गए हैं। ऐसे में अब हरियाणा में बीजेपी का भविष्य पूरे तौर पर नायब सैनी के कंधों पर टिका रहेगा। अगले 100 दिन में नायब सैनी को ऐसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जिसके बलबूते पर वो जहां एक तरफ हरियाणा की जनता को बीजेपी के प्रति पॉजिटिव कर सकें और दूसरी तरफ बीजेपी के घर बैठे हुए नेताओं और वर्करों में करंट दौड़ाने का काम कर सकें। नायब सैनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। अगर नायब सैनी अगले 100 दिन में पाइपलाइन में चल रही 50,000 भर्तियों को अंजाम तक पहुंचाने का काम कर देते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा वोट बैंक नए युवाओं को मिल सकता है और भविष्य में नौकरी का इंतजार कर रहे युवा भी उसके साथ लामबंद हो सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही तो बेरोजगारी का मुद्दा हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि हरियाणा में लगभग 2 लाख के करीब पद खाली पड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से इन पदों को 1 साल के अंदर भरे जाने की गारंटी दी जा रही है। नायब सैनी के लिए अब पूरे के पूरे प्रदेश में जहां नकारा मंत्रियों और विधायकों की छुट्टी करने का दबाव होगा, वहीं बीजेपी के लिए जिताऊ चेहरों का इंतजाम करना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ चेहरों के बलबूते पर सियासत नहीं हो सकती है, बल्कि पब्लिक के मूड के अनुसार और पब्लिक के समस्याओं के समाधान के साथ ही वो सत्ता की तीसरी बार सरताज बन सकती है। नायब सैनी के लिए अब बीसी वोटरों को बीजेपी के साथ लामबंद करना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें इसी उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री बनाया है कि उनके सहारे वो लगभग 33% बीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ रखने का काम कर सके। वैसे लोकसभा चुनाव ने बता दिया है कि बीसी वोटरों ने 90% बीजेपी का साथ निभाने का काम किया। अब विधानसभा चुनाव में भी उनको साथ में बरकरार रखना बेहद जरूरी होगा। नायब सैनी के लिए दूसरी चुनौती ये है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से नाराज हुए जाट वोटरों में नरमाई कैसे पैदा करनी है और इसके अलावा संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाई गई झूठ का तोड़ निकालते हुए अब SC वोटरों को बीजेपी के साथ दोबारा से कैसे जोड़ना है। अगर इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर नायब सैनी 20-25% भी कामयाब हो गए तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने की गुंजाइश बन जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं है,
क्योंकि उसके 30 में से 13 विधायकों के इलाके में उनकी बजाय बीजेपी को लीड मिली है, यानी बीजेपी के सामने कांग्रेस के एक तिहाई के करीब जो है एमएलए फेल हो गए हैं। जब इतनी विरोध की लहर में भी कांग्रेस के 13 एमएलए अपने हलकों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को लीड नहीं दिलवा सके हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो भी जनता के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे, उनके खिलाफ भी बड़ी नाराजगी है। उससे भी बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए है कि लगभग 9 साल से हरियाणा में कांग्रेस का संगठन ही नहीं बना है। पूरे प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कांग्रेस के पास न तो जिला अध्यक्ष हैं और न ही उनके पास हलका अध्यक्ष हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में तो जाटों और एससी वोटरों ने सिख वोटरों और मुसलमान वोटरों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ में बड़ी लामबंदी के साथ वोटिंग करके कांग्रेस की इज्जत बचाने का काम किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब बूथवाज लड़ाई होगी और बदले समीकरणों के साथ में चुनावी जंग होगी, तो ऐसे में बिना संगठन के कांग्रेस की किसी पार लगना मुमकिन नहीं होगा। पूरे देश में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 9 साल से संगठन नहीं है और बिना संगठन के ही कांग्रेस लगातार उछाले चलती हुई चल रही है। अगले 100 दिन में पार्टी के प्रभारी दीपक बाबरिया को पुरोसी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा और दूसरे बड़े नेताओं के साथ मिलकर संगठन का मसला हल करना होगा। उसके साथ ही कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को भी अब अपने नकारा विधायकों की टिकटें काटकर नए और दमदार प्रत्याशियों को टिकट देने का रास्ता साफ करना होगा। अगर कांग्रेस ने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले को बरकरार रखा तो उसकी फिर हार के आसार ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए अब बीजेपी की नाराजगी का फायदा उठाने के लिए भी बेहतरीन प्रत्याशी उतारना जरूरी होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले से बेटर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी को हराने का काम किया है, वही पैटर्न उसे विधानसभा चुनाव में भी जारी रखना होगा। भूपेंद्र हुड्डा को इस सोच को बदलना होगा कि वो अपने बलबूते पर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके बराबर की ताकत आज की तारीख में कुमारी शैलजा भी रखती हैं। इसके अलावा चाहे कैप्टन अजय यादव हों, चाहे किरण चौधरी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, ये बड़े चेहरे भी अपने अपने इलाकों में बड़ी रसूख की लड़ाई लड़ते रहे हैं और इनका अपना वोट बैंक है। इनको साथ लेकर ही भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, यानी कांग्रेस को एकजुट होकर ही चुनाव की लड़ाई लड़नी होगी, तभी वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर पाएगी। यानी आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही हरियाणा में सत्ता हासिल करने के 50-50% चांस नजर आते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो इस गति से आगे बढ़ेंगी, जिस हिसाब से अपनी गलतियों को दूर करेंगी और जिस हिसाब से अपने संगठन को मजबूत करके हर सीट पर बेहतरीन उम्मीदवारों का चयन करके चुनावी मैदान में उतरेंगे, उसी पार्टी की सरकार बनने का दावा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि क्या अगले 100 दिन में नायब सैनी अपने आप को डमी मुख्यमंत्री की बजाय एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर साबित कर पाएंगे, और दूसरी तरफ क्या भूपेंद्र हुड्डा खेमेबाजी में बटी हुई कांग्रेस को एकजुट करके सत्ता की लड़ाई जीतने में सफल हो पाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अब महज सिर्फ 100 दिन की लड़ाई बाकी है। इस 100 दिन में जिस पार्टी के बारे में जनता में पॉजिटिव रुख बन जाएगा, पॉजिटिव माहौल बन जाएगा, वही पार्टी सत्ता की दावेदारी में आगे निकल जाएगी। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाली लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी की मुख्यमंत्री के तौर पर परफॉर्मेंस को जांचने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस में चल रही खेमेबाजी के अंजाम और उनकी दोस्ती की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच होने वाले टकराव के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।